प्रदीप, प्रोड्यूसर ऑफ इरम्स एंटरटेनमेंट। मैं भी एक प्रोड्यूसर हूँ और अपने दोस्त की फिल्म देखने आई हूँ। मेरे फ्रेंड प्रवीण चंद्र जी ने इस फिल्म में कास्टिंग करी है, कास्टिंग डिपार्टमेंट संभाला है। और लकीरें जैसी फिल्म है जो देख रही हूँ, अभी तो इंटरवल हुआ है, फिल्म बहुत अच्छी जा रही है। और दुर्गेश पाठक जी की फिल्म है, जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसे सब्जेक्ट को टूटना चाहिए हमारे समाज में। मेरी भी फिल्म बन रही है, मेरी भी फिल्म आ रही है, ऐसा ही कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा, कहानी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन ऐसी फिल्में जनता जल्दी पसंद नहीं करती है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। तो इस पुरुष प्रधान देश को इस तरीके की फिल्मों को अपनाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा मैसेज है हम औरतों के लिए, जब हम दोनों बराबर हैं, औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन क्यों। ये फिल्म में दिखाया गया है कि जब एक रेप होता है तो रेप किसी अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर कास्ट, कहीं जो क्राइम होता है वो कहीं भी मायने नहीं रखता है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और इसके साथ ही एक पत्नी अगर वो चाहती नहीं है कि उसके साथ गलत तरीके से संबंध बनाया जाए तो वो रेप में आता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी नया सेक्शन निकाला है, जो नया लॉ लेकर आए हैं, जो नया कानून आया है, उसके हिसाब से कहा जाता है कि जो पत्नियां हैं अगर वो ये बोलती हैं कि उनके साथ रेप किया गया है तो वो रेप नहीं माना जाएगा, अगर मैं गलत ना हूँ तो। लेकिन मेरा ये मानना है एक औरत के नाते कि अगर कोई भी चीज़ नहीं की जा सकती है, जैसे कि नो मीन्स नो जो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, नो मीन्स नो ही होता है, तो अगर ऐसा है तो ऐसी लकीरें जैसे फिल्में ज़रूर बननी चाहिए। आई एल वेल डन, नाइस फिल्म, एंड थैंक्स प्रवीण चंद्र फॉर कॉलिंग अस इन दिस फिल्म। बहुत ज़बरदस्त फिल्म, आशुतोष राणा जी का बहुत सशक्त अभिनय, जैसे कि वो तो लेजेंड है, और उनके सामने विजेता बाग जी ने भी अपने आप को सिद्ध किया कि हाँ वो भी एक ज़बरदस्त अदाकारा है। फिल्म की कहानी बहुत कसी और उसके ऊपर निर्देशन दुर्गेश पाठक साहब का बहुत ज़बरदस्त निर्देशन। मैं सबसे अपील करूँगा कि सब लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें और इस फिल्म की बहुत जितनी तारीफ़ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। मैं आदि फिल्म बहुत अच्छी बनी है, दुर्गेश पाठक ने फिल्म बनाई है और हमारे प्रिय मित्र पीसी भाई ने एक फिल्म का कास्ट किया है, फिल्म की कास्टिंग की है, तो कास्टिंग वाइज काफ़ी फिल्म अच्छी भी है एंड डायरेक्शन भी काफ़ी फिल्म अच्छी है। एक मुद्दे पे फिल्म फोकस करती है और आश्चर्य से इतना अच्छा काम लगा मेरे को कि काफ़ी तारीफ काम है फिल्म का। जी मैं इसमें दूंगा 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि मेरे को लगता है ये और अभी ज़्यादा देनी चाहिए, लेकिन मेरे को लगता है मैंने आधी फिल्म देखी है, इसमें 4 स्टार भी दूंगा राइट नाउ। एंड आई एम हियर टू सपोर्ट माय फ्रेंड वरुण मिश्रा, इज द को प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म का। यू शुड गिव द बाइट, इट्स योर को प्रोडक्शन एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही क्रिएटेड सच अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड एवरीवन एक्टेड वेरी वेल, इवन गौरव वाज अमेजिंग एंड आई गिव कुडोस टू हिम, इवन आशुतोष राणा कमॉन, ही इज अमेजिंग एक्टर। थैंक यू सो मच गाइस, कांग्रेचुलेशंस टू यू। I think the movie, the message that this movie is portraying is so touching, and I think it's something that hasn't been touched upon yet, and it should be watched much more by not just men, women, but also men, so that they understand what women go through. Overall, I loved the way this movie has been portraying the rights of women. Basically, women rights pe jo बनी है, बढ़िया वुमेन राइट्स के ऊपर जो फाइट हो रहा है वो बहुत बढ़िया है। बहुत ही अच्छा विषय पर ये फिल्म बनी हुई है, ऐसे विषय पे हमारे भारत देश में और भी फिल्म बननी चाहिए। जो स्त्री की बात करते हैं, जो स्त्री के सेफ्टी की बात करते हैं, मैं देखता हूँ कि भारत देश में बहुत सारे जो बात करते हैं स्त्री की, लेकिन वो स्त्री को इंसाफ देने पर अभी तक इस देश में थोड़ा सा बोलते हैं अल्प विराम होता है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में बने, समाज में और ग्रो हो और स्त्रियों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। थैंक यू जी। हाँ हाँ, हमारी फिल्म में भी सामाजिक विषय पर बन रही है, जैसे हमारे मीट मिस्टर चैंग अभी आने वाली है, दूसरी फिल्म जो है हमारी क्या फिडोरा ट्विंकल्स, वो भी इसी विषय पर बनी हुई है। तो हमारे जो इरम्स एंटरटेनमेंट की जो प्रोडक्शन है, जो इरम हमारी जो प्रोड्यूसर इरम फरीदी है, वो हमेशा सामाजिक विषय पे ही फिल्म बनाती है, और हमारी भी अब आने वाली फिल्मों में देखोगे कि समाज में कैसे कि एक चेहरा होता है जिससे लोग सीखे,
फिल्मों में समाज से लेके ही फिल्में बनती है कि समाज में उस विषय पर सोचे और इम्प्रूवमेंट लाए समाज में। जी मैं अजय भागवत हूँ, इस फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर। ये फिल्म में दुर्गेश जी के साथ काम करने का मौका मिला और वो बहुत ही बढ़िया निर्देशक है, उन्होंने एकदम से अलग सा विषय छू लिया और काफ़ी बोल्ड विषय भी है जिसके बारे में बात की नहीं जाती ज़्यादा। तो एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर उनका काम तो बहुत अच्छा रहा, फिल्म भी बहुत अच्छी बनी है जब तक देखिए वहाँ पे। ऑल द बेस्ट टू टीम लकीर। नमस्कार। जब भी कोई एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म आती है या एक अलग फिल्म आती है तो हम जैसे कलाकार की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये जो एक लकीरें एक फिल्म है विच हैज़ वेरी सोशल मैसेज, एक सोशल स्टिग्मा है हमारे इंडियन कल्चर में या एशियन कल्चर में, और इसके आधारित ये जो फिल्म बनाई है, हम ऑडियंस यानी दर्शकों को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसी फिल्म आप थिएटर में ज़रूर देखें। ऐसी फिल्म बनाने के लिए भी एक फिल्म का एक हाथ होता है, सोल होता है, और ये फिल्म में भी एक सोल है, एक वुमन ओरिएंटेड एक फिल्म मैसेज है। हम चाहते हैं कि लकीरें जैसी फिल्में थिएटर में चलनी चाहिए और ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, ऐसी सोशल मैसेज ओरिएंटेड फिल्म थिएटर में चलनी चाहिए। तो बस यही हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों, आपके सोशल सर्कल, सोशल मीडिया में ट्राई टू प्रमोट कि जितना हो सके इतना ऑडियंस ये फिल्म को ज़रूर देखे। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ कुरुश देवू, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर। थैंक यू। आप सभी को मेरा नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में बन रही है आजकल, बहुत बड़े बजट की फिल्म बन रही हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बड़े बजट की जो फिल्में हैं किसी को रिस्पांस कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है। खैर, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लकीरें फिल्म है हमारी, ये एक जो हमारे इंडिया का कल्चर है कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड में, जहाँ पर एक हस्बैंड और एक पत्नी के बीच में जो एक रिश्ता होता है, लड़ाई झगड़ा नोक झोंक और इससे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो कुछ केसेस होते हैं जो शेयर किए जाते हैं, कुछ केसेस होते हैं जो शेयर नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ फैमिली की वजह से। जो फैमिली हमारी है, हम कल्चर पे ध्यान देते हैं, जैसे बहू के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो फैमिली की वजह से वो उस बात को नहीं शेयर कर पाती है। इस वजह से जो हस्बैंड है और हैवी हो जाता है उनके ऊपर, और ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लग जाता है। तो वही हमारी फिल्म का कॉन्सेप्ट है लकीरें का, और मुझे आशा है कि लकीरें फिल्म से हमारे भारत के जो समाज है नॉर्थ साइड में स्पेशली, आदमियों को एक आइडिया मिलेगा, एक थॉट मिलेगा कि जिससे वो फीमेल्स के रिस्पेक्ट करेंगे। कहने को तो बहुत आसान हो जाता है, लोग बोलते हैं कि यार लड़कियां, माँ बहन इन सब की रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब लोग ये बात करते हैं, बट एक्चुअली कहीं ना कहीं हम लोग जो लेडीज़ की रिस्पेक्ट कम करते हैं, गुस्सा कर देते हैं, कुछ भी गाली दे देते हैं उनको, ये हमारा कल्चर बिल्कुल भी नहीं है। हम वेस्टर्न नहीं हैं, हम लोग फॉलो वेस्टर्न को ज़्यादा करने लगे हैं। तो मेरी एक ये भी रिस्पेक्ट है हमारी फिल्म के लकीरे के द्वारा कि वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा कम करें इंडिया में, और जो हमारा अच्छा फैमिली वाला जैसे पहले होता था कि हम भाभी की रिस्पेक्ट करते थे, मम्मी की रिस्पेक्ट करते थे, बहन की रिस्पेक्ट करते थे, अगर दोस्त की वाइफ है तो उसको भाभी की रिस्पेक्ट से नज़र से देखते थे, तो वो सब कल्चर हमारी इस फिल्म में लकीर में दिखाया गया है। एंड आई होप आप सभी को पसंद आएगी हमारी फिल्म लकीरें, और ये बहुत ही अच्छा मैसेज है जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। तो प्लीज़ डू वॉच लकीरें, जितना हो सके लकीरें को प्यार दिए, क्योंकि लकीरें हाथ की मिटती हैं, किसी की बनती हैं और किसी की होती नहीं है जिनके हाथ नहीं होते। हाँ जी, गौरव जी के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि इज़ अ सीनियर एक्टर और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है,
उनकी बात से, उनके एक्ट से तो आप वाकिफ़ हैं, आशुतोष राणा जी के एक्ट से वाकिफ़ हैं, वाजपेयी जी के एक्ट से वाकिफ़ हैं, ये सब तुर्रम खां जो आर्टिस्ट हैं, जो एक्चुअली एक्टर हैं, वो हमारी फिल्म के अंदर हैं और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया सभी ने। एंड जो मुझे न्यूज़ आ रही है, बात सुनने में आ रही है कि नॉर्थ साइड में जो फिल्म ने बवाल किया हुआ है और सबको बहुत पसंद आ रही है। आप सभी प्यार बनाए रखिए, थैंक यू सो मच, जय माता दी, लकी रहे। माता जी को शुभकामना देना चाहूँगा। ये फिल्म वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, फीमेल वुमेन एम्पावरमेंट की फिल्म है, नारी शक्ति की फिल्म है। नारी शक्ति इसलिए क्योंकि जो महिलाओं पर अत्याचार होते हैं कुछ पुरुषों द्वारा, कुछ महिलाओं पर, सभी महिलाओं पर अत्याचार नहीं होते और सभी पुरुष अत्याचारी नहीं होते, लेकिन एक वर्ग है जो पुरुष अत्याचारी होता है, तो ऐसे पुरुषों के खिलाफ और उन महिलाओं को के फेवर में जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उस पर न्याय अन्याय की एक कहानी है लकीरें। मैं समझता हूँ कि ऐसी फिल्म ज़रूर देखना चाहिए, महिलाओं को भी देखना चाहिए और पुरुषों को भी देखना चाहिए। पूरी फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है, और असली धन कमाई जो है वो महिलाओं से ही होती है, क्योंकि महिलाएं मतलब लक्ष्मी का रूप, पराया धन, बहु रुपया और सम धन। जी थैंक यू, हैप्पी दीपावली, और हमारी आने वाली फिल्म गाली गलौज जरूर देखिएगा, जल्दी आ रही है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर हम बात करने से अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन होता हम सभी के घरों के इर्द गिर्द है, कभी हमारे खुद के घरों में, कभी हमारे पड़ोसियों के घरों में, तो क्यों हम उन बातों को करने से घबराते हैं, संकुचाते हैं? पर ये टाइम है कि हम इन बारे में बात करें। आज लकीरें मूवी इसी मुद्दे को उठा रही है, और ये मूवी जितनी सेंसिटिव तरीके से इस टॉपिक को जस्टिस दे रही है, ये और किसी मूवी के बस की बात नहीं है। अगर आपने लकीरें नहीं देखी है तो आज ही अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाकर ज़रूर देखिए। इसमें पावर पैक परफॉर्मेंसेस हैं, इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों ने इसमें बेहतरीन एक्टिंग की है, मिस्टर आशुतोष राणा, मिस्टर गौरव चोपड़ा। तो अगर आप उनके फ़ैन हैं मेरी ही तरह, तो प्लीज़ ये मूवी जाकर ज़रूर देखिए। लकीरें में जो विवेक अग्निहोत्री हैं, अगर आप उन्हें गदर 2 के कर्नल रावत के साथ देखेंगे तो वो शायद देखने में आपको एक इंसान ही नहीं लगेंगे। ये हम कुछ यही करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि अलग अलग रोल्स में बिल्कुल एक अलग अलग फ्लेवर, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ग्रे, और अलग अलग रूप बनाकर, कभी चेहरा, कभी बॉडी वेट, कभी वर्दी, कभी प्रोफेसर। तो बीच में एक राणा नायडू आया था जो नेटफ्लिक्स पे, उसमें मैं देश का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बना था। तो ये सब रोल्स चुने ही इसलिए थे कि ऑडियंस को वैरायटी दिखा सकें। अब इस कोशिश के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जब तारीफ मिलती है, रिव्यूज़ बाहर आते हैं, तो बड़ी खुशी होती है, ऐसे लगता है रिपोर्ट कार्ड में पास हो गया। देखिए, आपके साथ जब बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि सेट पर एक माहौल अच्छा होता है और एक स्टैंडर्ड अच्छा होता है, और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग फिल्म के लिए कि लिखावट के साथ साथ परफॉर्मेंस भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वरना वो जो लिखा गया है कागज़ पर वो स्क्रीन पर अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हो पाता। तो आई थिंक ये इस फिल्म की खुशकिस्मती है कि आशुतोष सर और बाकी सारे एक्टर्स भी इस फिल्म में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यू नो, वैसे भी आशुतोष सर के बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो हमेशा ही अच्छा काम करते हैं, पर इस फिल्म में खासकर जिस तरह वो शब्दों के साथ और भाषा के साथ खेल रहे हैं, वकील बने हैं, तो ये तो उनका जोन है। देखिए, जो भी इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए या देखने के लिए आए हैं, उन सबको दिल से शुक्रिया अदा, थैंक यू वेरी मच। छोटी फिल्म है, इसके बारे में शोर मचाने का और कोई तरीका नहीं, वर्ड ऑफ माउथ जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है वही कर सकते हैं। लोग इसे देखें, इसके बारे में बात करें, जितने भी रिव्यूज़ अभी तक आए हैं, आज ही फिल्म रिलीज़ हुई है, सारे रिव्यूज़ अच्छे हैं,
सही बातों को नोटिस किया गया है, तारीफ मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जब तक भी ये फिल्म सिनेमा हॉल पे रहे तब तक बस ऐसी ही तारीफ बनी रहे। दो बातें, पहली बात ये कि थैंक यू मुझे अलग अलग रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें ग्रे है, पिछले वाले में देश का रक्षक था, पर दोनों ही रूप में अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो थैंक यू। यही हमारी चेष्टा कोशिश होती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, जब हमें फाइनली ऑडियंस से वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है या तारीफ मिल जाती है तो उससे बड़ा अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसे मुद्दे पर जिसके बारे में बात नहीं की जाती। छोटी फिल्म है पर बड़ी सच्चाई से बनाई गई है, अच्छी लिखी हुई और अच्छा अभिनय है। आइए इसको एक मौका दीजिए और इसके बारे में बात की। नमस्कार, देखिए मैंने तो एक एफर्ट ऐसा किया कि शायद जिस पे लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो कहीं बंद दरवाज़ों के पीछे धीमे से चुपके, बच्चों के साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब उनके साथ किसी महिला के साथ कोई घटना या कोई बात होती है तो उस समय उसका बच्चा भी होता है, चाहे 2-4 साल का हो, चाहे 10-12 साल का हो, या 18-20 साल का बच्चा भी हो। तो इस तरह के केसेस को देखने के बाद ये फिल्म की रचना है जो अभी अब इस समय तो ये फिल्म की जो स्टेज है वो अब रिलीज हो चुकी है और अब इस समय जनता के पायदान में है। अब जनता ये डिसाइड करेगी, दर्शक बताएंगे कि इस फिल्म से उनको क्या कुछ ऐसा मिलता है जिससे उनको इस तरह का सिनेमा देखना चाहिए। तो इसमें हम बतौर क्रिटिक तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, हाँ, लेकिन जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं देख रहा था कि लोगों ने उस बात को कहीं उस बात को जो बहुत बारीकी से कही गई है उसको पकड़ा और ये जो कहने के तरीक़ों को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट किया। तो हाँ, फिर देख के ये अच्छा लगता है कि नहीं, चलो ठीक है, मुश्किल था, लेकिन हाँ उसको अप्रिशिएट करते हैं। जब कभी मीडिया हाउस अप्रिशिएट करता है या मीडिया पर्सन अप्रिशिएट करते हैं तो लगता है कि हाँ, नवभारत में जैसे मैंने देखा इस तरह के कम से कम 10-12 मीडिया हाउस में जो अलग अलग तरह के रिव्यू देखने को मिले, तो रिव्यू से पता लगा कि नहीं, ठीक है, इस तरह का एफर्ट किया जा सकता है, भविष्य में भी इस तरह के एफर्ट के लिए कोई जंग भी लड़नी पड़े तो लड़ी जा सकती है। और जीवन संघर्ष से शुरू होता है, संघर्ष पे ही आकर के टिकता है और फिर संघर्ष के साथ एक नया रास्ता शुरू हो जाता है। तो हम जब जीवन में कोई भी नया काम करते हैं तो वो एक तरीके से एक नई लकीर खींचता है। तो ये जो फिल्म लकीर थी मेरे लिए भी एक नई लकीर की तरह थी, एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसको दर्शक देखेंगे और बताएंगे। सबसे बड़ा रिव्यू, सबसे बड़ा फीडबैक दर्शकों का होता है। दर्शकों में भावना होनी चाहिए कि वो उस किस तरह से देखते हैं और वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपना विचार रखने के लिए। मैं हर उस उनके स्वतंत्र विचार का सम्मान करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरे लिए जो लर्निंग प्रोसेस था इस प्रोसेस के थ्रू मैं आगे बढ़ूँगा और जीवन में कुछ करने के लिए अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर इसी तरह के विषय का सिनेमा पर ही काम करना पसंद करूँगा।